मॉर्निंग गाइस, सो टाइम राइट नाउ इज 11:41 हियर इन दुबई। इंडिया में हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, मे बी वही 1:30 या 2:30 बज रहा होगा। सो अभी हम लोग जस्ट आए हैं रिच को, यहाँ से स्कूल से लेके जाएंगे। मैं यहाँ से स्कूल वो लोग को घर में छोड़ देके देन आई विल लीव फॉर द बीएमडब्ल्यू शोरूम। थोड़ा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, इंश्योरेंस वाला काम करना है, रजिस्ट्रेशन वाला काम भी करना है, नंबर तो मैंने उन्हें दे दिया है। वो कहता हूँ काम खत्म करके मे बी आई हैव टू गो एंड बाय हेलमेट फर्स्ट। जैकेट वैकेट तो नहीं चाहिए भाई, इंडिया में जाऊँगा कुछ दिनों के बाद सब लेके आ जाऊँगा, बट मे बी आई हैव टू जस्ट गो एंड गेट वन हेलमेट मे बी। अगर मैं अपना SBK के स्टोर से लेके आता हूँ तब तो मेरे को बहुत कम पैसा मिल जाएगा, क्योंकि दुबई में यहाँ तो राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोग इंडिया में जितना भी बेचते हैं उससे भी ऑलमोस्ट ज़्यादा यहाँ दुबई में बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट सिंस फॉर द मतलब अभी इमीडिएट चाहिए तो एक हेलमेट जाके मेरे को लेके आना पड़ेगा, बाद में अपना और शोई और AGV एक एक करके ऑर्डर कर देंगे। इस बार एक RI में भी आई विल गो एंड गेट इट, तो थोड़ी देर में जाएंगे। पहले तो BMW शोरूम जाकर काम खत्म करके आना पड़ेगा, उसके बाद वी हैव टू गो एंड गेट द RI और शोई। देखते हैं क्या मिलता है, जो भी होगा एनी वेज यू आर गोइंग टू सीन द वीडियो। रीच अभी स्कूल से आएगा, उसके बाद जाकर अपन निकलेंगे। ये आ गया वो स्कूल से, अभी दौड़ दौड़ के आएगा। देखो कैसे उसको कार जैसे ही दिखेगा वो सीधा दौड़ दौड़ के आएगा। देखते जाओ आएगा अभी। आ जा जैसे ही वो देखेगा देखो दौड़ दौड़ के आएगा पूरा। कम What's up? मैंने पार्क कर दिया है यहाँ पे, और एक खाली है। और एक कोई अगर यहाँ पे पार्क करेगा पैसा लगेगा, हम पार्क करने से कुछ पैसा नहीं लगेगा। और कोई पार्क करेगा तो उसको 24,000 या 25,000 का पेनल्टी। अगर कोई तेल वाला गाड़ी है कि पार्क करेगा उसको 20,000 का पेनल्टी। मैं पार्किंग करता हूँ तो मेरे के लिए फ्री तो नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है। चलो अभी चलते हैं अपना गाड़ी को देख के आते हैं। PDA वीडियो खत्म हो चुका है। सो लोग पहुँच चुके हैं शोरूम, इन्वॉइस सारा काम खत्म। अभी जाके खाली एक बार गाड़ी को देख लेंगे, विल स्टार्ट वंस देन उसके बाद बोल दूंगा भाई कपड़ा ये करके रखो, क्योंकि वो लोग अभी शोरूम के यहाँ पे ले आए हैं। कोई ना कोई आगे खाला मेरा कार को बाइक को आगे अगर टच कर दिया अभी मतलब इट्स नॉट गोइंग टू फील गुड। सो आई जस्ट मेक श्योर कि इनको पूरा कवर वॉर करके रखने का जब तक आगे डेली। तो हम लोग कल भी ले सकते हैं, बट कल में भी कल तो ट्रेड है, मे बी डे एंड तक हम लोग एक बार आएंगे, बट मैं लेके नहीं जाऊँगा। मैं क्या बोलूँगा उनको, बोल दूँगा कि आप घर पे ही भेज दो, मैं ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी जाऊँगा वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑफिस, वो सब काम खत्म करने के बाद ही जाके गाड़ी को चलाया जाएगा। सो दिस इज़ द अपना ग्रीन वाला जो एनिवर्सरी एडिशन, इट लुक्स गुड बट आई डोंट नो वाई, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, नहीं तो मैं यही वाला रहता, बट मेरे को ये कलर के साथ ही क्यों थोड़ा ऑड लग रहा था। बट वो जो मेन एंड दिस इज़ द नॉर्मल S1000 डबल है, एंड ये है अपना वाला M1000 डबल है, जिसको एक बार अभी बोलता हूँ चाबी लेके आएंगे, स्टार्ट कर दिया जाएगा। विन नंबर कल तो मैं ऑलरेडी देख के गया था, PDA काम ख़त्म हो चुका है, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। PDA ख़त्म, एक बार वो टेस्ट कर देखे होंगे, उसका जो जो चेंजेस होगा तो बाद में देखा जाएगा। नंबर प्लेट वो कल लेके आ जाएंगे, नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा। इंडिकेटर्स उसका पीछे ही है, ये कुछ कर दिया गया, साफ़ सुथरा करके वो लोग रख दिए हैं ऑलरेडी। खाली डिलीवरी ही लेना है, उसके बाद जॉब डन। वो स्टार्ट करके देखते हैं, लेट मी आस्क हिम टू गेट द कीज़। देखते तो सारा वहाँ थोड़ा कार्बन सब कुछ कार्बन, तो कार्बन फेवर लगाने का ज़रूरत नहीं है। आगे वाला कार्बन सारा कार्बन ही है। दिस इज द कार्बन कॉम्पिटिशन एडिशन, तो और कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत ही नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ टोटल व्हील भी कार्बन फाइबर, पूरा व्हील कार्बन फाइबर देख सकते हो, फुल व्हील कार्बन फाइबर, ये सब कुछ कार्बन फाइबर। पीछे का व्हील भी, आगे का व्हील, पीछे का व्हील, सब कुछ कार्बन फाइबर। ओहो, ये वाला फील ही चाहिए था बस फुल। इसको साफ़ करने में मज़ा आएगा अभी। Everything is carbon fiber, जैसे मेरे को चाहिए था। Only thing is full system exhaust का अगर करना हो तो इसको remove करना पड़ेगा। I don't know if I'm going to get time, maybe I'm going to stay with this। एक बार start करके देखते हैं। तो की आ चुका है, एक बार अभी on करके देखते हैं। बस ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आराम से करेंगे। 5 किलोमीटर्स उनको PDA करने के टाइम उनको एक बार राइड करना पड़ेगा, सब कुछ टेस्ट करके उसको कॉन्फ़िगर एक बार अलग से करेंगे। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। जय हनुमान। परफेक्ट, ये सारा इसके अंदर बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रहा है।
काम खत्म। अभी उनको बोल दिया है मैंने कि इस वजह के अंदर रखो, यहाँ नहीं रखने का, यहाँ रखने से कोई ना कोई आके देखेगा बैठेगा, वो सब अलाउड नहीं है। मैंने बोल दिया भाई अंदर रखो। चलो तुम्हारा बीम शोरूम का जॉब डन, इनवॉइस विनवॉइस में सब कुछ लेके आ गया, अपना सीट मैनुअल वैनुअल सब कुछ लेके आ गया हूँ। रात में बैठ के मैनुअल पढ़ेंगे, चलते हैं अभी। मैंने कह दिया है कल हम लोग आएंगे, डिलीवरी लेंगे, फिर मैं रख के चले जाऊँगा, आप लोग गाड़ी को भेज देना गाड़ी में, मैं आके यहाँ से चला के नहीं लेने वाला। मेरे को आज हेलमेट फिर सब कुछ खरीदना पड़ेगा भाई। टाइकन ऐसे में क्या जबरदस्त दिख रहा है, सो गुड विकेट ब्लैक। चलो लेट्स गो होम। चलो गाइस जॉब डन, इनवॉइस इनवॉइस में लेके आओगे। उसके साथ मेरा एक चेक भी उन्होंने दिया हुआ है। अमित भाई को मैसेज, अमित भाई बोले कि सोम पहले वाला बंदा होने वाला है जो बाइक भी ले रहा है और पैसा भी रिफंड लेके जा रहा है कंपनी से, मतलब पैसा ले रहा है और बाइक भी ले रहा है। बिकॉज बेसिकली मैंने यहाँ पे टेस्ला दिया था और टेस्ला को जो भी रिमाइंडर वाला पेमेंट था, उनको जो देना था कुछ 6 लाख या ऐसा कुछ, वो उन्होंने मेरे को टोटल उसको रिफंड कर दिया। सो मैं रिफंड वाला चेक मेरे पास आ गया, उसको लेके मेरे खाली बैंक में डिपॉजिट करें। उससे पहले चलते हैं अपना हेलमेट लेके चलते हैं। सो अभी चलेंगे शोई एंड एजीवी शोरूम में, देखते हैं। बट शोई एंड एजीवी तो मेरा और खुद का ही अकाउंट है, तो मैं उसको आराम से ऑर्डर करूंगा तो मेरे को कम ही आ जाएगा। बट एराई वाला मेरे पास अकाउंट नहीं है, एराई वाला मे बी हैव टू बाय इट फ्रॉम हियर। तो एराई वाला इस बार लेके आते हैं, शोई और शोई करेंगे बाद में, खुद ही ऑर्डर कर लेंगे। लेट्स गो। Yeah, do you like the bikes? No. Oops. Ah, come, let's see the helmets. Arai ka dekh lete hain. Arai main normally koi kharidta nahi mere ko. Thoda ki uska structure acha nahi, but this time I think I have to go for one Arai. AGV or Shoei ek order karke rakh lenge as usual. Helmet ka to apna collection banta hi hai. Shoei and AGV aa jayega apne SBK store se. Arai ka yahi se ek bar le lenge. Is bar ek Arai le hi lete hain. अभी एराई में खरीदते हैं, बट इस बार एक एराई लेना पड़ेगा। कौन सा नहीं, कौन सा नहीं, कौन सा नहीं। ये वाला एक अच्छा कलर दिख रहा है, विंटेज वाला कलर में। दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ लुकिंग एपिक। रेड में पूरा मतलब खतरनाक वाला ग्राफिक्स के साथ है। दिस इज द RX 7V EVO। एंड ये वाला इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। दिस वन इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड। एंड उनका एक आता है अपना जो अपना TT वाला, आइल ऑफ मैन TT वाला एडिशन, वो भी आता है, वो भी इनका स्टॉक में नहीं है शायद। लेट मी आस्क हिम। ये भी एक अच्छा दिख रहा है मैट कलर में, दैट वन इज़ लुकिंग गुड। ये वाला भी अच्छा दिख रहा है, ये दोनों को ट्राई करते हैं। तो एराई का एम वाला जो स्ट्रीम टेस्ट कर रहा हूँ, बट ये कह रहा है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ना वाइजर वाला, वो बहुत ही बेकार है। ऐसे बंद करो गाड़ी चलो, इसको टाइट करने के लिए आपको पूरा ऐसा मारना पड़ेगा, तभी जाके टाइट हो जाएगा। यहाँ पर टाइट हो खोलने के लिए इसको अनलॉक करो, उसके बाद जब इसको ऐसे पकड़ो उसके बाद ऐसे खुलेगा भाई। शोई एंड एजीवी में बहुत ईजी है। अरे चला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, मे बी दिस द रीज़न आई नेवर बाय आर आई। बट अभी ये सोई है एजीवी के लिए टाइम लगे, एक तो मेरे को देना ही पड़ेगा कैसे भी करके। बट ये वाला बहुत ही बोरिंग वाला प्रोसेस है। जैपनीज नॉर्मली अच्छा बनाते हैं, नो आइडिया इन्हें इस पर ऐसा क्यों बना हुआ। खोलने के लिए इसको ऐसे लूज करो, निकालो, बहुत पापड़ मिलना पड़ेगा। सो हेलमेट तो मिला नहीं क्योंकि मेरा साइज का था ही नहीं उनके पास स्टॉक। तो मेरे को मेरा ब्लैक वाला ग्लव्स मेरे को एक चाहिए था अर्जेंट, तो एक ब्लैक वाला ग्लव्स मैंने ले लिया है अल्पेंस स्टार्स का। एंड अपना एक कॉल कैप भी नहीं है, तो भाई सबके लिए चाहिए हेलमेट पहनते हो, मतलब दिस वन इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो चलो चलो बाहर में वेदर तो भाई ज़बरदस्त है, गाड़ी वाड़ी साफ साफ चल रहा है। एंड यहाँ तक कुछ सारा गाड़ी दिख जाएंगे, तरह 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 की गाड़ी आपको यहाँ दिख जाएंगे, सब अलग अलग गाड़ी सारे पहुँच जाते हैं। यहाँ छोटा वाला कैफे हो गया है, दिस इज फॉर बाइकर, बिकॉज दिस इज द ये दुबई ऑटोड्रोम, दिस इज द मेन दुबई ये ट्रैक रेस ट्रैक, यही है अपना दुबई का रेस ट्रैक, यही है। बाइक करने के बाद यहाँ पे अपन सेशन लेके आ सकते हैं भाई। ऐसा वेदर हुआ, ऐसा वेदर हुआ, सारे GSA वाले पहुँच चुके हैं। एनीवेज हम लोग जो काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं, छोटा मोटा सामान लेके जा रहे हैं। हेलमेट मिला नहीं, हेलमेट मेरे को भी ऑर्डर करना पड़ेगा SBK स्टोर से। SBK स्टोर से ऑर्डर हो जाएगा सामान, वो आ जाना चाहिए कुछ दिन में। कल मैं जाके बस के लिए एक छोटा वाला एक हाफ फेस वाला AGV या फिर शोई लेके आ जाऊँगा, जस्ट फॉर नेम सेक मेरा। चल लेट्स गो होम। दिस जी वैगन, डू यू लाइक इट? ओके लेट्स गो, इट्स वेरी कोल्ड। या वाला घर पहुंच चुके हैं है, और कितना 100 किलोमीटर रेंज है। कल तो भाई लंबा दिन है, बहुत सारा काम है। प्रिया डू यू वांट टू चार्ज द कार, कैन यू डू इट? ओके ले चलते हैं।
चार्जिंग टाइम टपाक। एक बार खोल के देख लेते हैं अपना सामान क्या क्या आया हुआ है। सो नॉर्मली तो मैं फुल वाला बैलाक्लावा पहनता हूँ, बट फुल बैलाक्लावा एक्चुअली यहाँ दुबई के लिए फुल वाला छोटा वाला बैलाक्लावा ही परफेक्ट है, क्योंकि निकालो पहले सबसे बेस्ट है ये वाला। ये वाला आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया फ्रॉम आवर एसबी के स्टोर में, सबसे ज़्यादा शायद हमने इसी को ही बेचा। ये इतना मस्त वाला हैंडी चीज़ है ना, सीधा इसको हेलमेट के अंदर इसको पहनो एंड हेलमेट पहनो, बेस्ट चीज़ है बेस्ट। फुल वाला बैलाक्लावा पहनने के लिए मेरे को बहुत बेकार लगता है, पर नॉर्मल तो विंटर्स में पहनता हूँ, वो ऑलरेडी मैं खरीद के रखा हूँ, उसको भी लाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वॉज द हाफ वाला, उसको मैं लाता हूँ रुको। हाँ, सो मैंने ऑर्डर किया था क्लाइम का विंटेड सॉक्स बूट्स के लिए, एंड ये मैंने और एक ऑर्डर किया था क्लाइम का नेक वार्मर विंटर्स के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि नॉर्मली वी आर प्लानिंग फॉर सम यूरोप वाला राइड, सो उसके लिए ये मस्त काम करेगा। इसको सीधे से पहनने का, ऐसे पहनो और ठंड भी नहीं लगने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे पहनो बंद कर दो, उसके बाद हेलमेट के अंदर रहे या फिर हेलमेट के बाहर जहाँ भी जाके पहन सकते हो। सो ये वाला एक आया हुआ था, ये क्लाइम का, एंड ये वाला अपना हो गया अल्पाइन स्टार्स। और एक SP3 ग्लोव्स, इसलिए बस पूरा ब्लैक वाला मेरे को एग्जैक्टली चाहिए था एल साइज, उसी को एक बार टेस्ट भी करें, टेस्ट तो मैंने किया था फिर भी स्टिल एक बार उसी को देख लेते हैं। LLL परफेक्ट, यस ब्लैक मतलब परफेक्ट सेट। काफ़ी लोग पूछते थे कि सुम भाई आपने ब्लैक बाइक क्यों नहीं लिया, आप तो ब्लैक लेते हो कार बाइक आपका ऑलवेज ब्लैक है, तो इस बार ऐसा क्यों, वाइट क्यों, ब्लैक क्यों नहीं लिया? देखो ब्लैक M1000 आती नहीं है, नॉर्मल S1000 का तो ब्लैक आता है, बट मेरे को नॉर्मल वाला इस तरह से लेना नहीं था क्योंकि इस बार मेरे को चाहिए था, इस बार लेंगे तो सीधा टॉप एंड वाला लेंगे, कार्बन कंपटीशन वाला ही लेंगे, एंड M1000 का ब्लैक नहीं आता, इसका ये स्पोर्ट्स वाला कलर ही आता है, कल ये मोटर स्पोर्ट वाला कलर और एक ग्रीन आता है, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं दिखता है। एंड 2023 वाला उसमें ब्लैक आ रहा है, बट द थिंग इज वो अगस्त में डिलीवर हो, इतना लंबा भाई वेट करने के लिए एनर्जी नहीं था। मैंने कहा कि मेरे को यही वाला ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को दे दो, ये मस्त लिमिटेड एडिशन भी है, बाद में जाके इसको कोई भी प्राइस में बेच भी सकते हैं, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट राइट नाउ ऑफकोर्स, बट इट्स गोना स्टे। सो आज के लिए इतना ही था बस, मेरे को थोड़ा लेट हो गया मेरी वाला वीडियो डालने के लिए, अगर होता तो मैं इसको डाल ही देता हूँ, लोग देखें ना देखें डाल देते हैं।